आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसीजन के बारे में जो कि क्लैट पीजी और यूजी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये जो केस है ना, ये शुरुआत होती है वहां पर जहां पर मिस्टर आजम खान एक स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद एक पिटीशन फाइल करी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके की बाद एक 5 जजेस बेंच का गठन होता है, और फिर वो बेंच फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिसीजन देती है, जिसको कि इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि जो पूरा कोरा केस है ना, वो एंटायरली है क्या। अब देखिए, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपकी फॉर्म हुई थी ना, उसने बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश करी, एड्रेस करने की कोशिश करी कि भाई एक जो रिलेशनशिप होता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में, कि मतलब जो हमारे पास अधिकार होता है कि मैं अपनी जो मेरी फ्रीडम है कि मैं कुछ भी बोल सकूं, मैं अपनी जो एक्सप्रेशन है, अपनी जो बातें हैं, वो मैं खुले तौर पर रख पाऊं, और उसका जो रिलेशनशिप होना चाहिए टुवर्ड्स अदर फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि मेरे पास अधिकार है जीने का, राइट टू लाइफ, मेरे पास अधिकार है कि मुझे सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए, राइट टू इक्वालिटी, और जो बाकी की राइट्स है ना उनके साथ कैसे रिलेशनशिप यहां बनता है, नेक्सस क्या होता है, उसके ऊपर यहां पर डिसीजन दिया गया, और ऐसे सर्कमस्टांसिस के बारे में बात करी गई जिसके की अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को। इस केस में देखिए हुआ क्या था एग्जैक्टली, यहां पर एक स्टेटमेंट दी गई मिस्टर आजम खान के द्वारा, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिन्होंने ये क्लेम करा कि अभी रिसेंट में जो एक गैंगरेप के एलिगेशन यहां पर लगाए गए थे वो एक पार्ट है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का, ठीक है, मतलब राजनीतिक षड्यंत्र यहां पे हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये बेसिकली स्टेटमेंट दे दिया, और उन्होंने कहा कि जो गैंगरेप है पूरा ये पूरा इस तरीके का है। अब यहां पे भाई विक्टिम्स को बुरा लगा, उन्होंने कहा कि यार इस तरीके से आप कैसे हमारे बारे में बोल सकते हो, और उन्होंने यहां पे अप्रोच करा सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट करते हुए कि भैया ना आप एक एक्शन लो अगेंस्ट द मिनिस्टर जिन्होंने यहां पर ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कि इंसिडेंट के बारे में है, और जो कि यहां पर इंटरफियर बेसिकली कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना उस पर एक एडवर्स प्रभाव आ सकता है, इसीलिए यहां पर आपको उनके खिलाफ ना एक्शन लेने की जरूरत है। इसके बाद में क्या हुआ कि यहां पे विक्टिम्स के अलावा उसके और रिक्वेस्ट ये करा कि ये जो केस है ना आपका, ये जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो इसको यहां पे किसी और स्टेट में भेजा जाए, बिकॉज उन्हें इस बात का डर था कि बिकॉज यहां पे ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि यहां पे फेयर इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए, जो कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर करा, और उसके बाद अपॉइंट करा मिस्टर फली एस नरिमन को, जो कि जस्टिस रोहिंटन नरिमन के फादर है, ही इज अ वेरी लर्नेड जूरिस्ट, उनको यहां पे अपॉइंट करा गया एज एमिकस, और उसके बाद यहां पे ऑर्डर करा गया कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है ना उसको हॉल्ट किया जाए, फॉर द टाइमिंग उसको रोका जाए, और ये चीज आपकी हुई थी 2016 में। अब यहां पे मिस्टर फली एस नरिमन ने ये आर्ग्यू करा कि जो कोर्ट है ना उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो इंप्रूव करे जस्टिस सिस्टम को और इंक्रीज करे पब्लिक के कॉन्फिडेंस को इन द फेयरनेस ऑफ ट्रायल बाय क्लेरिफाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिलेटेड टू इंटरफेरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है, एंड बाय एड्रेसिंग द इशू, जो कमेंट्स यहां पे दिए गए थे इन्वेस्टिगेशंस को लेकर या फिर विक्टिम्स को लेकर, जो कि पब्लिक फिगर यहां पे बेसिकली दे रहा है, और या फिर एक पब्लिक सर्वेंट यहां पे दे रहा है, यहां पे मिस्टर नरिमन ने ये बात बोली। तो यहां पे इस चीज को लेकर कोर्ट ने कहा कि भाई देखो हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म करेंगे, 5 जजेस की ये बेंच होगी, और इस बेंच के पार्ट थे जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, वी रामा सुब्रमण्यम, ए एस बोपन्ना और बी वी नागरत्ना, और यहां पर यूनानिमस डिसीजन पूरा का पूरा आया है, जिसमें कि जस्टिस बी वी नागरत्ना ने एक थोड़ा सा डिस्टिंक्ट अपना ओपिनियन यहां पे दिया है, जिसमें कि उन्होंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो है ना क्लैरिफाई करे, एक्सपैंड करा उनके ऊपर। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे 5 बिंदु हैं जिनको कि यहां पे कंसिडर करा गया कोर्ट के द्वारा, और उनके ऊपर क्या क्या कोर्ट ने बताया। ठीक, सबसे पहला, कैन अदर ग्राउंड्स बिसाइड्स दोज जो कि आर्टिकल 19(2) के अंदर आपके दिए हुए है। आर्टिकल 19(2) कौन सा आपका आर्टिकल है? आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 19(2) में क्या दिया हुआ है कि किन केसेस में ये जो आपका राइट है ना इनको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये बोला गया कि ऑन, मतलब यहाँ पे जो अदर ग्राउंड्स हैं आपके, कौन से वो ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि हमें यहाँ पे जो स्पेसिफाइड 19(2) के अंदर उनको हम लोग इन्वोक कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को,
कि मतलब इस आर्टिकल के अलावा भी क्या ऐसे कोई ग्राउंड्स हैं या फिर नहीं है, ये बोला बेसिकली गया कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे इस चीज को आंसर करते हुए कोर्ट ने बोला कि जो आपका आर्टिकल 19(1)(a) है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(2) यहाँ पे ग्राउंड सेट करता है जिसके बेसिस पे उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जो रिस्ट्रिक्शंस है ना जो कि आर्टिकल 19(2) में दिए हुए हैं वो आपके एग्जॉस्टिव है, मतलब केवल उतने ही रिस्ट्रिक्शंस है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो सब कुछ अपने आप में फुल्ली कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंड दे कैनॉट बी इम्पोज्ड ऑन एनी अदर ग्राउंड्स, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो किसी अदर ग्राउंड पे अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिकल 19(2) में जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं दोज आर मोर देन इनफ, उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते हो। फर्दर उन्होंने बोला कि इसका ये मतलब है कि जो आपके वायलेशन है ना अदर फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, वो यहां पे थ्रू अगर स्पीच हो रहा है तो उसको आप एज अ रीजन नहीं यूज कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। मतलब बेसिकली ये है कि मान लो मेरा फंडामेंटल राइट यहां पे वायलेट हो रहा है और मैं ये कहता हूं कि मान लो भाई मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट इसलिए हो रहा है कि बिकॉज सामने वाला बंदा अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां पे यूज कर रहा है, तो इस बेसिस पे यहां पर उस बंदे के फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। विच मीन्स कि मिस्टर आजम खान ने जो बातें बोली हैं, मोटा मोटी कोर्ट ये कह रहा है कि जो जो बातें उन्होंने बोली वो बातें उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और जो ये सामने वाली पार्टी है अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो हम ये नहीं कह देंगे कि जो मिस्टर आजम खान का फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दें, और वो भी ऐसे ग्राउंड पे जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अलावा यहां पे स्टैंड करता है। इसके बाद फर्दर यहां पे जस्टिस नागरत्ना ने अपने सेपरेट ओपिनियन में बोला कि देखिए यहां पर जो फॉर्म्स ऑफ स्पीच है जैसे कि हेट स्पीच हुआ वो यहां पे डायरेक्टली कंफ्लिक्ट कर सकता है विद प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो कि प्रीएम्बल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए हैं। मतलब अगर आपके पास राइट है फ्रीडम का बोलने का, तो अगर वो यहां पे डायरेक्टली कंफ्लिक्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के साथ, तो यहां पे मामला थोड़ा सा गर्म है। फर्दर उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो सिटीजन है ना उनके पास एक सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 15(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग टू प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड अमंग पीपल एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस जो कि डेरोगेटोरी है टू विमेन। मतलब आपको ब्रदरहुड प्रमोट करना है, आपको हार्मनी प्रमोट करनी है, और आपको किसी भी ऐसी प्रैक्टिस को हटाना है, खत्म करना है जो कि विमेन के अगेंस्ट में डेरोगेटोरी है। फर्दर उन्होंने बोला कि यहां पे जो इंक्रीज्ड रीच होती है, मतलब जो एक दायरा होता है पब्लिक फिगर्स के पास जो कि यहां पे इंपैक्ट कर सकता है, पब्लिक ऑफिशियल्स के पास जो एक दायरा होता है जब वो अपनी स्पीच दे रहे हैं और जो उनके एक्शंस हो रहे हैं उनको, उन्होंने कहा कि उनकी ये पर्टिकुलर ड्यूटी बनती है कि वो रिस्पॉन्सिबल रहे और रिस्ट्रेंट रहे अपने शब्दों के थ्रू और अपने एक्शंस के थ्रू कि जो पब्लिक फिगर हो, भाई आप जैसे मिस्टर आजम खान अगर है, अगर वो एक पब्लिक फिगर है तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने शब्दों को और एक्शंस को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, वो करें और कोशिश करें कि वो ना ऐसी बातें बोले जो कि किसी सामने वाले बंदे के फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, उनकी ये बेसिकली ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट यहां पे कोर्ट ने इशू करा वो ये था कि क्या जो सिटीजंस हैं वो क्लेम कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, कि वो वायलेट हो गया ऐसे फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट नॉन स्टेट एंटिटीज जैसे कि कोई प्राइवेट पर्सन। मतलब मैं एक पर्सन, मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को अगेंस्ट द स्टेट तो एनफोर्स करा सकता हूं, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को क्या मैं इन्फोर्स करा पाऊं अगेंस्ट नॉन स्टेट पर्सन जैसे कि कोई प्राइवेट पर्सन हो उसके अगेंस्ट। इसको लेके कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है ना उनको आप इन्फोर्स करा सकते हो अगेंस्ट नॉन स्टेट एंटिटीज जैसे कि कोई प्राइवेट पर्सन है और ये जो प्राइवेट एजेंसीज है उनके अगेंस्ट में, और इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो लीगल रेमेडीज सीक कर सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स यहां पे वायलेट हो रहे हैं ऐसी एंटिटीज के द्वारा। ये था आपका मेन जो ओपिनियन था बेंच का वो। इसके बाद एक सेपरेट ओपिनियन में जस्टिस नागरत्ना ने बोला कि जो फंडामेंटल आपके राइट्स है ना अगेंस्ट नॉन स्टेट एंटिटीज वो यहां पे रिकॉग्नाइज्ड हैं अगर स्टेट्यूट के द्वारा या फिर एज कॉमन लॉ राइट
तो उनको आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, और उसके अंदर भी जो कॉमन लॉ के राइट्स होते हैं अगर उसको अंदर समझने की कोशिश करें कि ये क्या होते हैं, तो ये वो यूनिवर्सल राइट्स हैं बेसिकली जो कि कोर्ट्स के पास है बाय द पास्ट केसेस, रिकॉग्नाइज करे गए हैं कोर्ट्स के द्वारा पास्ट केसेस के अंदर में। और अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी रिकॉग्नाइज करा गया है कॉमन लॉ के द्वारा, और सर्टेन स्टेट्यूट्स हैं जैसे कि हमारे आईपीसी इंडियन पिनल कोड, अगर इनको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं तो जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को सीक करते हुए रेमेडीज अगेंस्ट नॉन स्टेट एंटिटीज जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है अंडर दीज लॉज। मतलब आपके पास ये राइट है कि आप अगर आपका राइट टू यू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फिर आपका राइट टू लिबर्टी या कुछ भी ऐसा राइट है अगर वायलेट हो रहा है तो आप आईपीसी के अंदर कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं सीख करते हुए कि आप ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ अपना जो एक तरीका होता है इन्फोर्स करने का उस राइट को आप जाइए और बेसिकली उनके ऊपर पिनलाइजेशन या फिर उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करिए अंडर आईपीसी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप संभव लॉ के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग पिछले 3 साल से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर। और हमारा जो कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है उसके अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सारे के सारे लीगल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इन डेप्थ हम लोग एनालिसिस देते हैं लैंडमार्क केसेस की जो कि आपके 2010 से लेकर 2023 के बीच में है। साथ ही में हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर जो कि आपको फेमिलराइज कराएगा जो आपका रिसेंट अभी पैटर्न है पिछले 4 साल का उन सबके साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग समरीज और वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ पाए जितने भी कॉम्प्लेक्स आपके लीगल कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सारी चीजों को सब्जेक्ट वाइज, एक आपको प्रॉपर हम लोग कोशिश करेंगे स्टडी प्लान देने का ताकि आप फोकस कर पाओ प्रॉपरली कि क्या पढ़ना है और कैसे स्टडी करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आपको जितने मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं चाहे आप बात करो वीडियो लेक्चर्स की चाहे आप बात करो स्टडी मटीरियल की सब कुछ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस पेपर की सब कुछ हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने की। और साथ ही में जितने भी मॉक पेपर्स हैं उसमें हम लोग आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं हर क्वेश्चन का जो कि प्रैक्टिस पेपर में दिए हुए हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हैं जस्ट फॉर द प्राइस ऑफ 3999। डेफिनेटली अगर आपको जरूरत है अगर आपको लगता है कि आपको क्लैट पीजी एग्जाम में बूस्ट चाहिए अपनी प्रिपरेशन में जरूर आइए और ज्वाइन करिए हमारे साथ। अब चलिए आगे बात करते हैं कि केस में जो अगला आपका पॉइंट है वो कोर्ट ने आंसर करा कि क्या यहाँ पे जो स्टेट है उसके पास क्या यहाँ पे एक ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स के राइट को जो लाइफ एंड लिबर्टी है उनका राइट उसको प्रोटेक्ट करेगा इवन जो आपके एक्शंस हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के उनके अगेंस्ट में क्या उसकी जिम्मेदारी बनती है करने की या फिर नहीं। यहां पर कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो स्टेट है ना उसकी एक ड्यूटी है कि वो राइट्स को प्रोटेक्ट करे अपने सिटीजन्स को इवन दोज राइट्स जो कि थ्रेटन करे जा रहे हैं बाय सम अदर पर्सन अदर देन द स्टेट इटसेल्फ। मतलब स्टेट है स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो अपने द्वारा अलावा किसी और बंदे के द्वारा मान लो थ्रेटन किया जा रहा है यहाँ पे कोई राइट तो वो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक्शन ले प्रिवेंट करने के लिए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो सिटीजन के होते हैं बाय नॉन स्टेट एक्टर्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके द्वारा में जो आपके एग्जाम्पल्स है बेसिकली वो आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जस्टिस नागरत्ना ने अपने जो ओपिनियन था उसमें फर्दर क्लैरिफाई करा कि ये जो ड्यूटी है ना कि बेसिकली लिमिटेड सिचुएशंस में ही यहाँ पे आती है जहां पे स्टेट का जो इनएक्शन होता है वो लीड करेगा हॉस्टाइल सिचुएशंस के अंदर या फिर फेलियर की तरफ कि वो अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है अंडर किसी स्कीम या फिर पॉलिसी। इसके अलावा आप लोग एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर स्टेट है और उसने इम्प्लीमेंट करी एक पॉलिसी या फिर प्रोग्राम जो कि वुमेन की सेफ्टी को सेफगार्ड करती है चिल्ड्रन की उसको सेफ्टी को सेफगार्ड करती है तो वहां पर अगर वो फेल करती है एक्शन लेने में उन राइट के उसमें जो कि यहाँ पे थ्रेटन हो रहे हैं उन वुमेन या उसके अगेंस्ट में उन पॉलिसीज के अंदर में जो कि वहां पे स्टेट ने कहीं ना कहीं बेसिकली इंप्लीमेंट करी है तो यहाँ पर बेसिकली जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके खिलाफ यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है यहाँ पर स्टेट के द्वारा कि उन्होंने अपने जो फंडामेंटल राइट्स है वो यहाँ पे बोलो प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर पाए सिटीजन्स के। हाउएवर यहाँ पे जो स्टेट है ना उसके अंदर ऑब्लिगेशन नहीं है उसके ऊपर हाँ ब्रीच ऑफ ड्यूटी है नो डाउट लेकिन उसकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो यहाँ पे एक्शन टेक करे ऑन इट्स ओन अकॉर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस।
मतलब सारे सर्कमस्टेंसेस में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई स्टेट आएगा और बिल्कुल यू नो प्रोटेक्ट करेगा हर चीज को। यहाँ पे सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होती हैं और यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट के ऊपर, स्टेट चाहे तो करे, स्टेट चाहे तो ना करे, स्टेट की ड्यूटी बनती है लेकिन स्टेट एकदम ऑब्लिगेटेड भी नहीं है। तो मतलब बीच मामला यहाँ पे कहा कोर्ट ने, ये है आपका। इसके बाद जो अगला बात यहाँ पे कोर्ट ने बेसिकली जो अपनी कंसिडर करी वो ये थी कि क्या जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए थे बाय अ पब्लिक ऑफिशियल, क्या वो एट्रीब्यूट किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ, कि मतलब जो गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं क्या उसकी तरफ ये एट्रीब्यूट हो सकते हैं, और क्या वो हम लोग बेसिकली लिंक कर सकते हैं स्टेट अफेयर्स के अंदर अगर वो लिंक है तो, और या फिर उनका इंटेंशन था कि वो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि पब्लिक ऑफिशियल ने दिया जो कि गवर्नमेंट के उससे लिंक्ड है, अफेयर से लिंक्ड है, और या फिर उसका जो इंटेंशन था स्टेटमेंट का वो यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने का था, तो क्या ऐसा स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर साथ सीधे सीधे कि ये जो पब्लिक ऑफिशियल है ये आपका है और ये पब्लिक ऑफिशियल ने जो भी स्टेटमेंट दी है ये कहीं ना कहीं स्टेट की या फिर गवर्नमेंट की है, कहीं ना कहीं यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन हो गई, और यहाँ पर अगर वो ओपिनियन बेसिकली या फिर वो बात अगर स्टेट अफेयर्स से जुड़ी हुई है या फिर उसका इंटेंशन यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का था गवर्नमेंट को, तो क्या ये एट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे पब्लिक फिगर का और गवर्नमेंट का क्या ये हो सकता है या फिर नहीं। इसके ऊपर कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई है पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा वो तभी एट्रीब्यूट की जा सकती है गवर्नमेंट को अगर वो रिलेटेड है यहाँ पे स्टेट अफेयर्स के या फिर इस इंटेंशन के साथ में कि वो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दिस मीन्स कि जो गवर्नमेंट है उसको आप रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं कर सकते हैं उन स्टेटमेंट्स के लिए जो कि किसी पब्लिक ऑफिशियल ने तब दिया था जब वो अपनी पर्सनल या फिर अनरिलेटेड मैटर्स में जब ओपिनियन अपनी दे रहा था, मतलब उसका पर्सनल ओपिनियन था या फिर स्टेट जो है उससे इतर जाके किसी और किसी मैटर पे उसने अगर बोला, तो यहां पे आप गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं। इसको लेकर फिर जो अगला पॉइंट है कोर्ट ने एड्रेस करा वो ये था कि क्या जो गवर्नमेंट है क्या उसको हम लोग अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हैं फॉर द स्टेटमेंट्स जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा दिए जाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे सिटीजंस के वायलेट कर रहे हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट है ना उसको आप अकाउंटेबल नहीं हेल्ड कर सकते हो उन स्टेटमेंट्स के लिए पब्लिक ऑफिशियल्स की जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना वो यहाँ पर बेसिकली आप अपनी जो जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में समझाया अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या फिर किसी अनरिलेटेड मैटर में दे रहे हो। इसका फर्दर अगर हम लोग बात करें तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो यहाँ पे लीगल रेमेडी सीक नहीं कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसे स्टेटमेंट्स के, लेकिन वो लोग ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं आपके पब्लिक ऑफिशियल्स हैं ना जो कि ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके खिलाफ रेमेडी सीक कर सकते हैं। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि भाई ये जो पब्लिक स्टेटमेंट थी ये पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर मिनिस्टर ने दिया है, तो वो जो मिनिस्टर है जो कि वो गवर्नमेंट का पार्ट है आप गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले लो, ये कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता। अगर आपको ऑन अ पर्सनल कैपेसिटी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ या मिनिस्टर के खिलाफ जाना है आप चले जाओ, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं डालेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट भी यहाँ पे कोर्ट ने दो तीन बातें बोली जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग यहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट निकाले जिससे कि हम लोग बेसिकली रोक पाए किसी भी ऐसे मिनिस्टर को या फिर किसी भी ऐसे मेंबर को कि वो ऐसी बातें बोले जो कि किसी और सिटीजन के फंडामेंटल राइट के ऊपर इन्फ्लुएंस करे या फिर किसी सेंसिटिव मैटर पे कोई ऐसी बात बोले जो कि यहाँ पे आउटरेज पैदा कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की, क्लैट यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपकी बेल आइकन है उसको सब्सक्राइब जो है दबा दीजिए अपना अच्छे से, और अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर फॉर योर एग्जाम्स। बाय।